गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं आज दो ऐसे टॉपिक्स लेकर के आपके सामने हूं जो दोनों टॉपिक्स अपने में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक ऐसा टॉपिक जिसमें एक बच्चा जिंदगी से जंग हार जा रहा है और जिंदगी से जंग हार करके सुसाइड कर ले रहा है, और वो बच्चा कहीं दूर का नहीं बच्चों, वो बच्चा बिल्कुल अपने बीच का है, अपने बीच का, यहीं प्रयागराज का छोटे बघाड़ा से, जहां पर बच्चे अपने सपने लेकर के आते हैं, अपने सपने लेकर आते हैं, उन सपनों को संजोते हैं और उन सपनों में जिंदा रहते हैं, ताकि वो किसी और के सपने को जो चार आंखें देखती हैं उनके माता पिता के, उन सपनों को पूरा कर सके। जब वो घर से निकलते हैं इलाहाबाद या दिल्ली के लिए, तो एक जज्बा होता है, एक ऐसी चीज होती है जो कुछ कर दिखाने की होती है। जब घर से कदम बाहर निकल रहे होते हैं तो अंदर एक अजीब सा उत्साह होता है कि शायद सपनों की उड़ान को रंग देने का समय आ चुका है। और जब वो पहुंचते हैं वहां पे, तो तमाम तरीके की कोशिशें करते हैं कि वो उन सपनों को पूरा कर सके। लेकिन बच्चों, हमेशा याद रखें, सपने आपके वश में नहीं, लेकिन आप तो ख्वाब देखते हैं, उन ख्वाबों को पूरा करना आपके वश में है। लेकिन वो वश में तभी होगा जब आप कुछ चीजों को समझेंगे। अभी एडिटोरियल के सेक्शन में मैं पढ़ा रहा था कि महानता इसमें नहीं है कि आप गिरते नहीं है, महानता इसमें है कि आप गिरकर उठ जाते हैं। तो बच्चों, आपकी जिंदगी ये नहीं है कि आप असफल नहीं होंगे, असफल तो होंगे ही, क्योंकि अगर आप असफल नहीं होंगे तो सफलता के स्वाद का आनंद भी नहीं ले पाएंगे आप। तो अगर कोई बच्चा जो अपने बीच का है, इन सपनों को पूरा करने के लिए इलाहाबाद प्रयागराज जैसे शहर में आता है और फिर कुछ असफलताओं का सामना करता है और फिर वो गिरकर उठने के बजाय वो परिस्थितियों से हार मान लेता है, सुसाइड कर लेता है, तो इसे कहां तक जायज ठहराया जा सकता है? माना की परिस्थितियां विपरीत हैं, माना की परिस्थितियां प्रतिकूल हैं और आप उनमें सर्वाइव करने में मुश्किलें आ रही हैं आपको, लेकिन क्या सुसाइड करके आप उन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे? क्या आपको ये समझ में आएगा कि क्या अब आपके सपने पूरे हो गए? क्या आपने माँ बाप के लिए वो चीजें कर ली जो सुसाइड करने से बेहतर आप कर सकते थे? क्या अब आप उन आंखों में खुशी देख सकते हैं? नहीं ना, अब तो जिंदगी भर के लिए बच्चों, जिंदगी भर के लिए वो आंखें सूनी रह गई। उन आंखों में हमेशा खून का एक कतरा रहेगा, क्योंकि उनका अपना खून जो है वो सुसाइड करके, परिस्थितियों से हार करके चला गया। दिस कैन नेवर नेवर कैन दिस बी जस्टिफाइड। कोई भी बच्चा, मैं मानता हूं कि ठीक है, आप कह सकते हैं कि सर वो क्या करता, लेकिन क्या सुसाइड करना समाधान है? क्या हम संघर्ष करने से घबरा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कमजोर पड़ जा रहे हैं परिस्थितियों के आगे? हम तो मानव है बच्चों, ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। तो परिस्थितियां हम पे कैसे हावी हो जा रहे हैं? क्या सुसाइड करके हम उन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं क्या? कतई नहीं। इस बच्चे का जो लेटर है वो लेटर बता रहा है कि वो संभाली जा सकती थी कंडीशंस, वो परिस्थितियां जो थी उन्हें संभाला जा सकता था, लेकिन उसने ये बस शायद सोचा कि हाँ, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई विकल्प नहीं, जबकि विकल्प हैं बच्चों। अगर आप कोशिश करेंगे तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए हमेशा याद रखें, यू कैन यू विल, आप कर सकते हैं बच्चों, और आप करके दिखाएंगे, विश्वास करें, आप करके दिखाएंगे। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये बच्ची, जिस बच्ची ने आपको बिल्कुल विपरीत एक दिशा की तरफ अपने आप को ले गई। इसने सुसाइड करने की कोशिश नहीं की, इसने लड़ने की कोशिश की, इसने वो करने की कोशिश की जो इसने अपने माता पिता के लिए सपने देखे थे। और आज इसने यूपीपीसीएस के पेपर में टॉप कर, लड़कियों के सेक्शन में इसने टॉप किया। क्या हम इससे सीखने ले सकते हैं कि गॉड्स मिल ग्राइंड स्लो बट श्योर, ईश्वर के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकते बच्चों। हमेशा विश्वास करें कि अगर आपने परिश्रम किया है, अगर आपने जेन्युइन परिश्रम किया है, तो एक बार, दो बार, चार बार गिर करके भी
एक न एक दिन आप जरूर संभलेंगे बच्चों, इसलिए प्लीज प्लीज सीखने की कोशिश करें, उनसे सीखने की कोशिश करें जो संघर्ष के प्रतिमान है, जो संघर्ष के प्रतीक है कि हाँ उन्होंने कुछ ऐसा करने की कोशिश की जो उनके लिए शायद मुश्किल था, लेकिन उन्होंने हारने के बजाय जीतने की कोशिश की और ये साबित करने की कोशिश की कि वी कैन वी विल। प्लीज बच्चों इस बच्ची से सीखें और उस बच्चे से सीखें कि हमको हारना नहीं, यानी ये बच्ची आपको ये सिखाए कि किसी भी कीमत पर सपने पूरे हो सकते हैं, और वो बच्चा आपको ये सिखाए कि हमको हारना नहीं है, हमको जिंदा रहना है अपनों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहन के लिए। तो आप सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों, कभी भी अगर फ्रस्ट्रेशन के शिकार हों तो कुछ गलत कदम उठाने के बजाय अपने आप से कहें कि पेशेंस विंस एट लास्ट, कि अंत में धैर्य की क्या होती है, जीत होती है। ठीक है, हमेशा धैर्य बनाए रखें बच्चों, कभी भी आप इस जाने सड़कें हमेशा स्मूथ नहीं होती हैं, बीच में खड्डक भी आते हैं, क्या उन खड्डकों की वजह से हम चलना छोड़ दें, क्या उन स्मूथ रास्तों को हम छोड़ दें जो उन खड्डकों की वजह से हमें परेशान करते हैं, कतई नहीं। हम माने हाँ रास्ते आगे जरूर बेहतर मिलेंगे, अगर रात है तो सुबह भी होगी बच्चों, अगर छांव है तो धूप भी होगी, कभी ऐसा नहीं रहा जहां परिस्थितियां एक रहीं, कभी ऐसा नहीं रहा जहां समाज एक रहा, कभी ऐसा नहीं रहा जब सरकारें एक ही रहीं। बदलाव जिंदगी का नियम है, चेंज इज द लॉ ऑफ दिस यूनिवर्स, इसलिए विश्वास करें आज नहीं तो कल सुबह जरूर होगी, आपके अच्छे दिन आएंगे विश्वास करें, लेकिन संघर्ष आपके लिए जरूरी है बच्चों। ठीक है, परिश्रम करें, जेन्युइन परिश्रम करें, और कभी असफल हो तो निराशा की तरफ जाने के बजाय अपने आप से कहें कि कठिनाइयों के पहाड़ जितने अधिक ऊंचे होंगे हमारे हौसलों की उड़ान भी क्या होगी, उतनी बड़ी होगी बच्चों। ठीक है, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप समझेंगे चीजों को, पॉजिटिव अप्रोच शो करेंगे, मैं संतोष श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूं, और मेरा आशीर्वाद, हमारे जैसे तमाम टीचर्स का आशीर्वाद आप सभी बच्चों के साथ है, बस पॉजिटिव सोचें, कभी भी नेगेटिव ना सोचें, और अपने माता पिता के सपनों को हमेशा पूरा करने की कोशिश करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे, हमेशा खुश रहें आप, हमेशा खुश रहें।